गौरीशंकर बिसेन का दावा है कि इस वित्त वर्ष में सरकार ने किसानों पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार ने किसान पर लोन रहने ही नहीं दिया है, तो कांग्रेस कौन सा लोन माफ करेगी? कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बिसेन ने कहा है कि कांग्रेस लाशों की राजनीति करती है। बिसेन ने कहा है कि मंदसौर गोलीकांड का विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मंदसौर की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। बिसेन ने कहा है कि कमलनाथ और सिंधिया का सत्ता पाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। कृषि मंत्री बिसेन से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता निर्मल सिंह बैस ने, चलिए सुनाते हैं। चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक महत्वपूर्ण विभाग के, कृषि विभाग के मंत्री जो है गौरीशंकर बिसेन हमारे साथ हैं। बिसेन साहब से बात करेंगे। बिसेन साहब, कृषि विभाग बड़ा खासा महत्वपूर्ण होता है, आधे से ज्यादा आबादी जो है कृषि विभाग से जुड़ी रहती है, और किसानों को लेकर कांग्रेस ने मुद्दे भी बनाए हैं पहले भी और अब चुनाव में भी बनाएगी। कितना क्या कुछ आप अपनी उपलब्धियां मानते हैं और कितनी चुनौतियां मानते हैं? मैंने अनेक प्रेस में कहा है कि हमने 35,000 करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न मदों में किसानों को पिछले वित्तीय वर्ष में दिया है, और एक तौर से किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, इसमें किसी तरह की कोई हमने गुंजाइश नहीं छोड़ी, कमी नहीं की। इसलिए मैं बड़े जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का किसान प्रसन्न है। तो इसमें कांग्रेस जो बात कर रही है कि हम सप्ताह में आएंगे और ऋण माफ करेंगे, तो हमने तो ऋण ही नहीं दिया किसान के ऊपर। जब हमने किसान के ऊपर ऋण ही नहीं रहने दिया, तो आपका तो प्रश्न नहीं उठता। एक मसला और है जो काफी महत्वपूर्ण है कि आपकी नजर में आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कांग्रेस जो है मंदसौर में हुई किसानों की जो मौत थी उस मामले को चुनाव में काफी प्रमुखता से उठाएगी, तो इसको लेकर आपका क्या जवाब है? कांग्रेस का स्वभाव रहा है लाशों पर राजनीति करने का, लेकिन वहां के किसानों के हित में जो निर्णय लिए हैं वो भी सबके सामने सार्वजनिक है, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं। मंदसौर में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में सभी सीटों पर विजय हुई। इस बार बिसेन साहब, ऐसी कोई बीजेपी के पक्ष में हवा या लहर नजर नहीं आती। ऊपर से कमलनाथ पीसीसी चीफ बने हैं, सारी एकजुटता के साथ जो है कांग्रेसी बीजेपी से अपना 15 साल का वनवास खत्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सफलता मिल पाएगी, बीजेपी को डिफीट मिलेगी? वो जन कल्याण नहीं करना चाहते, न राज्य का विकास करना चाहते, बल्कि कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, ये जनता को दिख रहा है। और जो लोग बिना काम के कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, उसको कभी जनता ने पद पे नहीं बैठाना है। इसलिए जो कांग्रेस सपना देख रही है, माननीय कमलनाथ जी या ज्योतिराज जी, सपना उनका कभी साकार नहीं होगा। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का यह कहना है कि कांग्रेस जो सपना पाल रही है, यानी कि वो ये सोच रही है कि 15 साल का इस मरतबा उसका राजनीतिक वनवास खत्म हो जाएगा, तो बिसेन साहब के हिसाब से ऐसा नहीं होगा। कैमरामैन राकेश मकोरिया के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।